आप देख रहे हैं हमारा भारत। राजस्थान कोटा में इस साल 23 छात्रों की आत्महत्या की वजहों पर सवाल कई हैं, लेकिन तुरंत समाधान तो एक ही है कि कैसे तनाव और स्ट्रेस में रह रहे छात्रों की परेशानी कम कर दी जाए। इस दिशा में प्रशासन ने एक और पहल की है, वो अब हॉस्टल के स्टाफ को ट्रेन कर रहा है कि वो कैसे डिप्रेशन से जूझ रहे छात्रों की पहचान करें और उन तक मदद तुरंत पहुंचा सकें। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कोटा कोचिंग उद्योग के लिए जाना जाने वाला वो शहर जहां पढ़ के सबसे ज्यादा बच्चे आईआईटी और मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाते हैं, लेकिन कोटा की सफलता की कहानी के पीछे छुपा है एक और पहलू। यहां सफलता की दौड़ में कई बच्चे पिछड़ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। इस साल सिर्फ पिछले 8 महीने में 23 बच्चों ने यहां आत्महत्या की है। अब सरकार को चिंता है कि किस तरह इन बच्चों को तनाव से मुक्त कर एक खुशगवार माहौल दिया जाए। हॉस्टल संचालकों के साथ मिलकर अब प्रशासन हॉस्टल कर्मियों को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो काउंसलर का भी काम कर सकें और तनाव में अगर कोई बच्चा हो तो उसकी जांच करके उसकी काउंसलिंग कर सकें। लगभग जो 3,500 हॉस्टल हैं और जिसमें कि 2,00,000 के लगभग बच्चे निवास कर रहे हैं, उनको प्रोफेशनलिज्म के माध्यम से ट्रेंड करना आवश्यक है ताकि बच्चों के साथ में वो अच्छा इंटरेक्शन कर सके, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके और बच्चों को किस प्रकार से कैंपस में एक फ्रेंडली वातावरण दे सकते हैं। हर समय कोटा में 2,00,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। 15 से 18 साल की उम्र के इन बच्चों को घर के भोजन की याद आती है तो कभी परिवार की। देखा जाए तो मतलब हॉस्टल में रहने की तो परेशानी, मतलब थोड़ी खाने की दिक्कत होती है, मतलब तो खाने में तो हो जाती है, मतलब खाना तो वैसा ही मिलता है। जिला प्रशासन ने कोचिंग को तनाव मुक्त करने के लिए परीक्षाओं पर 2 महीने की रोक लगा दी है और हॉस्टल में पंखों पर एंटी हैंगिंग यंत्र लगाना अनिवार्य कर दिया है। एक स्टाफ जो होता है वो स्किल स्टाफ होना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम लोग हॉस्टल में जाकर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं स्टाफ को और उनको बता रहे हैं कि आप लंच और जो डिनर होता है उस टाइम पे आप अटेंडेंस लीजिए बच्चों की। सर उनका कहना यही तो है, चीज़ के लेकर मेन जो प्रोग्राम होना है टेस्ट की जो प्रोग्राम चल रही है, टेस्ट नहीं लेना चाहिए, टेस्ट तो होना जरूरी है, टेस्ट नहीं लो तो कैसे चलेगा काम, बच्चा अपना कैसे प्रोग्राम आगे जाके बढ़ाता जाएगा। जैसे हम हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना वगैरह पूरी क्वालिटी वैरायटी पूरा मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। मुस्कुराओ कोटा, ये प्रशासन का कैंपेन है और शायद कहीं बच्चों के दर्द तनाव और निराश का कोई हल इसमें निकल आए। कोटा से शाकिर अली के साथ हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो हमारे भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का सुनहरा भविष्य तभी होगा जब उनका आज स्ट्रेस फ्री और तनाव मुक्त हो।